राजस्थान में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके चलते राजस्थान सरकार फिर से एक्शन में आ चुकी है। एक बार फिर से स्कूलों को कॉलेजों को बंद करने की और राजस्थान सरकार फैसला ले सकती है। अगर इसी तरीके से कोरोना बढ़ा तो 3 जनवरी के बाद राजस्थान में स्कूल कॉलेज बंद किए जा सकते हैं। कॉलेज बंद को लेकर क्या है पूरी अपडेट, विस्तृत अपडेट को आज की इस वीडियो में जानेंगे। कम से कम वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कोरोना बढ़ा तो 3 जनवरी से फिर बंद हो सकते स्कूल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्ति बरतने और सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को कोरोना को लेकर सीएम की ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंत्री बोले स्कूल खुले तो संक्रमण बढ़ सकता है। ओपन बैठक शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने कोविड रिव्यू बैठक बुलाई, जिस मंत्री और विधायकों ने अपने अपने सुझाव पेश किए स्कूल बंद करने को लेकर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शुक्रवार सीएम अशोक गहलोत ने ओपन वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री परसादी लाल मीणा सहित जयपुर जिले के संबंधित मंत्री विधायकों तथा दोनों मेयर स्कूल बंद कर रखने के सुझाव है वो सीएम को पेश किए। चिकित्सा मंत्री मीणा खादेव, नागरिक आपूर्ति प्रताप सिंह खाचरियावास, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बच्चों में कोरोना फैलने की आशंका, सर्दियों की छुट्टियों के बाद 3 जनवरी से स्कूल खुले तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इसीलिए जनप्रतिनिधियों ने स्कूलों को बंद रखने की मांग है वो की है। अब 3 जनवरी के बाद राजस्थान में स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, स्कूलों के साथ साथ खाचरियावास ने ये भी कहा कि अपेक्षण संस्थानों पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और एक शादी समारोह, धार्मिक स्थलों को भी बंद करना चाहिए, शादियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये सभी ने अपने सुझाव है वो सीएम अशोक गहलोत को पेश किए। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करते ही लोगों, जनता के दिलों में डर व दहशत का माहौल खड़ा हो जाएगा। जनता सोचेगी कि कुछ तो है, तभी तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। 3 जनवरी से शिक्षण संस्थानों को बंद करने की पूरी तैयारी हो रही है, जल्द जारी हो सकती है सख्ती के साथ संक्रमण, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई गाइडलाइन। धार्मिक स्थानों, शादी समारोह के लिए सख्ती बरती जा सकती है। क्या प्रदेश में 3 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं, देखिए फिलहाल तो स्कूल खोलने को लेकर ही है, लेकिन अब कोरोना की नई गाइडलाइन जारी होगी, सख्ती के साथ उसकी पालना करनी पड़ेगी। अब सीएम अशोक गहलोत पर अंतिम निर्णय है कि स्कूलों को एक बार फिर से 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए बंद करना है या नहीं, इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। जैसे ही स्कूलों और कॉलेजों को लेकर कोई भी फैसला आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। आप ओपन बैठक की रिव्यू हुई थी कल, वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम अशोक गहलोत क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल स्कूल बंद को लेकर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। आप चैनल पर हमेशा बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।